हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग में। आप देख रहे हैं नर्सिंग क्यूज का एक गर्मा नंबर का वीडियो। तो इससे पहले अगर आप 10 वीडियो तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर आपको देखना चाहिए, और सारा का वीडियो जो है आपको सुबह 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आप किसी भी नर्सिंग का तैयारी करते हैं, आप रेलवे का तैयारी करते हैं, आप कोई भी नर्सिंग का तैयारी करते हैं, CHO, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग समझिए, देखिए, चलिए करते हैं आज के नर्सिंग क्यूज का 11वां वीडियो शुरू। ओके, आपका यहाँ पे है एपिडेमियोलॉजिकल त्रिभुज में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, यानी तीन सम्मिलित होगा और एक होगा जो उस ट्राइंगल में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वातावरण, होस्ट यानी कारक, समूह, पोषक। तो आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल में तीन चीज़ें होता है। ठीक है, आपका एक होता है इन्वायरमेंट, ओके, एक होता है आपका होस्ट कारक और एक होता है पोषक। ठीक है, तो आपको पता है तीनों जो है ट्राइंगल में होता है, इस तीन के बिना कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है, यही एपिडेमियोलॉजी कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, समूह जो है इसमें नहीं होगा, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एस्क्लेरेसिस लम्बेक्रोइड एक प्रजाति है। आप लोग पढ़े होंगे एस्क्लेरेसिस लम्बेक्रोइड एक प्रजाति है, किसका? गोल कृमि का, फीता कृमि का, छोटे कृमि का, अंकुश कृमि का। तो आप लोग पढ़े होंगे एस्क्लेरेसिस लम्बेक्रोइड जो है वह जो है आपके गोल कृमि का जो है आपका क्या है, एक प्रजाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पोलियोमेलाइटिस का कारण क्या होता है, पोलियोमेलाइटिस के कारण पूछ रहा है हमसे। ठीक है, देखिए, पोलियोमेलाइटिस आपके मुख के द्वारा, मल के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है, मुख या मल मार्ग के द्वारा, त्वचा के संपर्क से। तो ऑप्शन नंबर सी बेस्ट होगा, मुख और मल दोनों मार्ग से फैलता है। ठीक है, आप लोग जो है इसको आंसर दीजिए, जब तक हम इसके ऑप्शन पढ़ते हैं तब तक आप आंसर दाग देना चाहिए। सब सेंटर दवाई किट ए में क्या होता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए उपकेंद्र पर जो दवाई के किट होता है उस किट ए में जो है क्या होता है, ORS घोल, कोविडिन, आयोडीन मलहम, पैरासीटामोल, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन जो है ब्लीडिंग को रोकता है, यूट्रस को जो है क्या करता है, एक्शन में लाता है, जो है कंट्रैक्शन कराना हो तो ये दे सकते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल बुखार, दर्द, ये सब में काम आता है। कोविडिन मलहम आपको पता है कट फट जाए तो वहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, ORS घोल पता है आपको, डायरिया वगैरह होता है तो उसमें सबसे फर्स्ट चॉइस ORS होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अंतःपेशी मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में प्रयुक्त कोण कितना होता है। हमसे इंट्रामस्कुलर IM का जो है यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए IM का जो एंगल 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 35 डिग्री। तो IM का कितना होता है बेस्ट, वो होता है ऑप्शन नंबर सी 90। ठीक है, नेक्स्ट है, कहता है आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ आयुर्वेदा। तो ऑप्शन ए है जीवन, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है जीवन का विज्ञान। तो आपको पता होना चाहिए आयुर्वेद का अर्थ ही होता है जीवन का ज्ञान या जीवन का विज्ञान। ठीक है, जो जीवन के बारे में जाने, जो जीवन के विज्ञान के बारे में समझे, वही आयुर्वेद है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है, क्या होती है, दर्द निवारक, संवेदन हरण, सूजन कम करने वाली, इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए जो दर्द को कम करे उसे दर्द निवारक एनाल्जेसिक कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। जो सुनपन उत्पन्न करे उसे हम लोग ऑप्शन सी कहते हैं, संवेदन हरण। ठीक है, सूजन कम करने वाली दवा एंटी इन्फ्लामेटरी दवा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, OD का क्या अर्थ है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है OD का क्या अर्थ है, तो ओ इसका मीनिंग होता है ओन्स इन डाई, यानी दिन में एक बार। ठीक है, दिन में एक बार, दिन में तीन बार, दिन में चार बार, भोजन से पहले। तो आपको पता है दिन में एक बार OD होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, दिन में तीन बार थ्राइस इन डे होता है। ठीक है, चार बार है क्वाड्रेंट इन डे। ठीक है, भोजन से पूर्व। ठीक है, बिफोर मील। आगे है यहाँ पे, अध त्वचा द्वारा त्वचा के नीचे स्थित उत्कों में इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ से हमसे ये पूछ रहा है कि अध त्वचा में, अध त्वचा द्वारा त्वचा के नीचे जो इंजेक्शन देते हैं वह किस लेयर में देते हैं, इंट्रामस्कुलर में, सबक्यूटेनियस में, इंट्राओट्रियल में, इंट्राकार्डियक में। आपको पता होना चाहिए अध त्वचा के नीचे जो त्वचा होता है वो सबक्यूटेनियस होता है टिशू,
उस सबक्यूटेनियस टिश्यू ऊतक में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गर्म भाप सांस द्वारा दी जाती है जिसे क्या कहा जाता है? अगर हम गर्म भाप के द्वारा किसी को सांस देते हैं, इनहेल करवाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? निवेशन, इंसर्शन, अधमता, स्टीम इन्हेलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा स्टीम इन्हेलेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पे समझ गए कि गर्म भाप के द्वारा अगर हम सांस देते हैं तो स्टीम इन्हेलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पलेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप लोग सुने होंगे विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी थ्री, विटामिन के। तो देखिए यहाँ पे अगर नियासिन रहता तो आप लोग झटपट में मार लेते कि नियासिन के कमी से जो है आपके विटामिन की कमी से पलेगरा होता है। बट नियासिन का जो विटामिन होता है, नियासिन तो एक आपका केमिकल नेम है, बट उसका ओरिजिनल जो है विटामिन, विटामिन बी थ्री को ही हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि मेटाकार्पल हड्डियाँ किस में पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटाकार्पल हड्डियाँ होती है वो कहाँ पे पाई जाती है। मेटाकार्पल हड्डियाँ आपके पैर में, हाथ में, खोपड़ी में। तो राइट आंसर जो होगा वह हाथ में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलिए। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन सी के कमी के कारण जो है आपके क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है यहाँ पे, हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो मैं बता दूं 90%, 40%, 100%, 70%। तो बॉडी में जो पानी का जो मात्रा होता है पूरे बॉडी के भार का, ठीक है, लगभग आपको 60-70% जल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे चलिए। आगे है यहाँ पे अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है, देख लीजिए कि मानव टिशू अंग को किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? मानव टिशू, ठीक है, मानव टिशू मतलब कुछ भी, शरीर से निकले हुए कोई भी अंग हो, कुछ भी हो शरीर से संबंधित, वह किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? चूँकि वो एक प्रकार का वेस्ट है। पीला, लाल, नीला, काला। तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पीला में हम लोग डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि ज़मीन पर एक बच्चा गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है और उसके पैर से खून जो है बहना शुरू हो जाता है। मतलब बच्चा पैर गिर गया, उसके पैर से खून, मुंह से खून बहना शुरू हो गया। लंबे समय के बाद रक्त बंद होता है, मतलब देरी से जो है उसके रक्त बंद होते हैं, यह किसकी कमी से हो सकता है? तो आप बताइए, विटामिन सी की कमी, डी की कमी, के की कमी, विटामिन बी की कमी। हम लोग जानते हैं विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, और अगर विटामिन के का कमी हो जाए तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगा, देरी से बंद होगा। तो इसलिए ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे, कहता है विट्रियस ह्यूमर भाग है किसका? विट्रियस ह्यूमर किसका भाग है? कान का, आँख का, गुर्दा का, लीवर का। तो जो विट्रियस ह्यूमस होता है, इसका दूसरा भाई एक्वस ह्यूमर भी होता है। ठीक है, और ये दोनों जो है ह्यूमर वाला, यह आपके आँख का एक भाग है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि पोषण मूल्यांकन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? मतलब डायरेक्ट कौन सा विधि जो है नहीं है जिससे हम पोषण से संबंधित चीज़ों को असेसमेंट, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक रचनात्मक माप, ठीक है, शरीर कैसा बना है ये आपके पोषण जो है बता सकता है, तो ये तो होगा ही। नैदानिक मूल्यांकन ये भी हो सकता है, लेकिन रेडियोग्राफिक और शारीरिक मूल्यांकन यह पोषण से आप तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मानसिक स्थिति कैसा है इसका भी परीक्षा आप कर सकते हैं पोषण के जरिए, लेकिन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि वहम एक विकार है। वहम किस प्रकार का? वहम, ठीक है, वहम मतलब जानते हैं ना, वही वहम एक विकार है। कैसा? पाचन, मानसिक, न्यूरोलॉजिकल, प्रस्तुति। तो वहम एक प्रकार का वहम, भ्रम होता है, ठीक है, जो एक मानसिक विकार होगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट है, आज के क्वेश्चन का लास्ट है, निम्नलिखित में जो एक मनोवैज्ञानिक विकार नहीं है, कौन सा एक साइकोलॉजिकल जो है विकार नहीं है? विषाद, विभ्रम, मनोविकार, ठीक है, एंड उन्माद। तो आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल जो बीमारी, जो विकार इनमें से नहीं है वो आपका विषाद है। ठीक है, विषाद आपका ए होता है, बाकी विभ्रम भी है, मानसिक रोग, मनोविकार भी है, उन्माद भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो इस प्रकार से आज मैंने बहुत जल्दी आपको 20 क्वेश्चन कर दिया। आज थोड़ा सा आप लोग को इजी लगा होगा, कभी इजी कभी हार्ड, इसी प्रकार से चलेगा ताकि आपका भी मन लगता रहे पढ़ने में।
और कुछ अच्छा क्वेश्चन भी आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगा। तो आप अगर बने रहते हैं, डेली 20-20 क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नए नए क्वेश्चन 10-10 भी मिलेंगे, तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि डिस्कशन किया जाए, फुल डिस्कशन इस 20 क्वेश्चन का। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितने भी ग्रुप है, जो लोग भी आगे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं नर्सिंग का, आप लोग जो है इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको कम्प्लीट जो है रिविज़न हमेशा डेली के डेली कराता रहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको मदद देगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।